हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इन्फो गवर्नमेंट जॉब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके ऊपर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों उसकी अपडेट दी जाएगी। तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों एएलपी एंड टेक्नीशियन के ऊपर मेरी एक और नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आपके सामने है कि एएलपी और टेक्नीशियन, पहले दोस्तों एएलपी का मेडिकल होगा। ये दोस्तों कुछ यहाँ पर पता लगा है, जो सिलीगुड़ी का आपका शेड्यूल आया है उस शेड्यूल में पता लगा है कि पहले है वो एएलपी का मेडिकल होगा। तो दोस्तों उसमें ही पता लगा या सभी बोर्डों में ऐसा होता है दोस्तों, ये कुछ अभी कंफर्म तो है नहीं। पर दोस्तों सिलीगुड़ी का जिस हिसाब से हुआ है, उस हिसाब से अगर हम माने तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है और आपके मन में भी है दोस्तों, कि एएलपी में फेल हो जाने पर टेक्नीशियन में मौका मिलेगा। मतलब यह है कि A1 कैटेगरी का मेडिकल अगर आप फेल हो जाते हो, यानी आपकी आंखें हैं वो 6-1 कैटेगरी की नहीं हैं और आपका सिलेक्शन है वो ALP में हुआ है, तो आपको बाद में टेक्नीशियन में डाल दिया जाएगा या B1 कैटेगरी का मेडिकल कर लिया जाएगा, तो आपको टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये दोस्तों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने बन रहा होगा, तो इसके रिगार्डिंग हम इसी वीडियो में जिक्र करेंगे थोड़ा। और दोस्तों एक और कि मेडिकल के बाद वो कट ऑफ बढ़ेगा, दोस्तों ये तो कन्फर्म है मेडिकल के बाद कट ऑफ वो बढ़ेगा, पर दोस्तों सभी का बढ़ेगा या किसी का बढ़ेगा, इसका भी हम थोड़ा सा इसमें जिक्र करेंगे। और दोस्तों एक यहाँ पर जो फेल हुए हैं कैंडिडेट कुछ नंबरों से, उनके मन में भी एक और बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या और लिस्ट आएगी, ये भी दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और एक दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दूसरा मौका भी मिलेगा, ये भी दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन है। तो टोटली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों, तो हम सभी पर जिक्र करेंगे बारी बारी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिलीगुड़ी जोन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आई है लिस्ट, उसमें दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि जैसे आपकी उसमें ALP की कितनी पोस्ट थी, उसका 1.5 गुना कैंडिडेट है, वो दोस्तों उनको पहले बुलाया गया है। तो 1 मिनट में आपको बता दूँ कितनी वैकेंसी वहाँ पर सिलीगुड़ी के अंदर थी और कितने को बुलाया गया है। तो दोस्तों मैंने रिवाइज वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ, तो इसके अंदर हम पहले देखेंगे आपकी सिलीगुड़ी के अंदर ALP की कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट इधर हैं और आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट है वो इधर हैं दोस्तों। तो हम सिलीगुड़ी जोन पर जाएंगे, ये दोस्तों आपका 20 नंबर पर, 20 नंबर पर आपका सिलीगुड़ी है। तो टोटल इसके अंदर आप देख सकते हो कि 534 वैकेंसी हैं वो दोस्तों आपकी ALP की हैं। तो यानी 534 का अगर हम 1.5 गुना करें दोस्तों, तो 534 प्लस 250 प्लस 17, ये दोस्तों आपका टोटली बन जाता है 1.5 गुना ALP का सिलीगुड़ी जोन से। तो टोटल इसका जोड़ेंगे हम 1 0 और ये 8, यानी 801 कैंडिडेट हैं वो ALP के अंदर पास किए हैं, ये हमारे अनुसार है दोस्तों। इसमें एक दो कैंडिडेट कम भी हो सकते हैं, 10-15 कम हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर टोटल आपकी 53 वैकेंसी है वो दोस्तों अक्स सर्विसमैन की है। तो अक्स सर्विसमैन हो सकता है कि 1.5 गुना नहीं मिले हो, ये भी दोस्तों संभव हो सकता है। तो हम 801 का ही आंकड़ा लेकर चलते हैं। तो 801 का अब हम बात करते हैं दोस्तों, उसके जो शेड्यूल जो हुआ है दोस्तों, उस शेड्यूल की बात करते हैं कि उसके अंदर आपका क्या। तो ये दोस्तों आपका सिलीगुड़ी का जो PDF ओपन किया है, डॉक्यूमेंट का शेड्यूल है वो। तो दोस्तों हमने देखा था कि 801 कैंडिडेट हैं वो दोस्तों आपके ALP में पास होने चाहिए 1.5 गुना के हिसाब से। तो दोस्तों इसमें जनरल की कितनी पोस्ट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी जनरल के 1.5 गुना भी आप देख सकते हो कि जनरल पहले जनरल को बुलाया जा रहा है दोस्तों, बाद में SC ST और OBC। तो टोटल OBC यहाँ पर अंत में हम जाएंगे, तब इसके OBC के लास्ट में दोबारा से जनरल जहाँ से स्टार्ट होगा उससे पहले तक हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ से जनरल स्टार्ट हो गया है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से जनरल स्टार्ट हो गया है दोबारा से। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ तक कैंडिडेट जो बुलाए गए हैं 808 तक हैं वो दोस्तों इस हिसाब से बुलाए गए हैं। तो इसका दोस्तों हमें एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये पहले ALP का है, क्योंकि 801 के समथिंग कैंडिडेट आए थे, तो हो सकता है ये पहले ALP का हो। और दोस्तों 807 है, ज़्यादा क्यों आ गए, ये दोस्तों संभव हो सकता है, क्योंकि किसी कैटेगरी में जैसे आपका OBC के अंदर 101 पोस्ट हैं, तो इसके अंदर दोस्तों 101 का 1.5 गुना 50% 151 होगा दोस्तों, तो इसके अंदर एक और पास कर दिया होगा 152, तो ऐसे ज़्यादा हो गया होगा, तो ये संभव है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा दोहराई वाली बात नहीं। इस हिसाब से दोस्तों काफ़ी हम भी
ये अनुमान लगाते हैं कि यही शेड्यूल आपका रहा होगा, और आपका इससे ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्नीशियन के अंदर बाद में कितने कैंडिडेट है वो पास हुए हैं। दोस्तों ये आप नीचे देख सकते हैं कि टोटल कैंडिडेट है वो आपके 1086 हैं, तो लगभग आप मान सकते हैं 808 कैंडिडेट है वो आपके ALP में पास हुए हैं। तो इसके बाद में बच गए आपके लास्ट में 80, यानी 280 कैंडिडेट है वो सिर्फ टेक्नीशियन में पास हुए हैं सिलीगुड़ी जोन से। इसमें भी दोस्तों आप 1.5 गुना अगर PCM के निकाल देते हो तो आपका ITI का बच जाता है प्योरली। तो दोस्तों ये एक अनुमान था। तो इसी अनुमान के साथ दोस्तों 1% जो सबसे पहले आपका आ रहा है कि क्या A1 मेडिकल में जो फेल हो गया ALP के मेडिकल में तो उसको टेक्नीशियन में लिया जाएगा? दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप इसी बहम को बिल्कुल ही निकाल दो। दोस्तों आप लोको पायलट से हो, आपने लोको पायलट में बेस्ट प्रेफरेंस दिया और आपका लोको पायलट में हुआ है, और दोस्तों आपका मेडिकल है वो पहले है, तो दोस्तों आप ज़रूर वीडियो को डिसलाइक मारोगे मेरे को पता है, पर दोस्तों ये क्लियर और सही बात है कि आपका रेलवे ने पहले ही आपकी पोस्ट को लॉक कर दिया है। मतलब दोस्तों ये है कि 807 कैंडिडेटों को इनको ALP में पास किया गया है, और इनमें दोस्तों कैंडिडेट लेंगे वो टोटल 536-537 हैं, जितने 534 हैं, 534 लेंगे। तो दोस्तों इन्हीं 800 में से नीचे टेक्नीशियन में कोई भी नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है, ये दोस्तों कन्फर्म है। वरना दोस्तों नीचे वाले जो टेक्नीशियन में पास किए गए हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको सीधे बाहर थोड़ी ना किया जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल भी आपका संभव नहीं है, ये दोस्तों कन्फर्म बता दूँ मैं आपको कि पहले आपके जो ALP में 807 कैंडिडेट पास हुए हैं इन्हीं में से दोस्तों आपके 534 कैंडिडेट मिलेंगे, और शायद हो सकता है कि इनमें 15 से 20 लड़के A1 कैटेगरी के मेडिकल में फेल हो जाएं। तो दोस्तों उनको टेक्नीशियन ना देकर उनको सीधा बाहर कर और टोटल 807 में से 24 कैंडिडेट और मिला दिए जाएंगे इसमें, तो ये 20 बाहर निकल जाएंगे और टोटल बच जाएंगे बाद में जो भी है 100 या 150, वो दोस्तों वेटिंग लिस्ट में रख लिए जाएंगे दोस्तों। तो जब 20 ये फेल होंगे इनको सीधे बाहर किया जाएगा, ना कि टेक्नीशियन पर विचार किया जाएगा, इनका A2 कैटेगरी का मेडिकल किया जाएगा, B2 कैटेगरी का, या फिर C2 कैटेगरी, C1 कैटेगरी का किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल आप अपने मन से विचार निकाल दीजिए। अगर आप टेक्नीशियन हो तो ज़रूर आपके मन में घबराहट हो रही होगी कि क्या पता ऐसा हो जाए, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप इसको बिल्कुल वहम को निकाल दें। और दोस्तों लोको पायलट है तो उनका दोस्तों अगर इसमें होता है तो अच्छा है 1 गुना में, और अगर दोस्तों 1 गुना में नहीं होता है तो कन्फर्म है दोस्तों आपको बता सकता हूँ, लोको पायलट की सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट आती है। वेटिंग लिस्ट में लोको पायलट के सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि दोस्तों लोको पायलट एक ऐसी जॉब है जिसमें अगर दोस्तों कोई छोड़ता है तो सबसे ज़्यादा लोको पायलट में ही छोड़ते हैं, और वैकेंसी भी ज़्यादा इसमें ही खाली होती हैं, तो इसमें ज़्यादा वेटिंग आती है, कन्फर्म आपको बता दूंगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो इस लिस्ट के अंदर नाम आ गया है दोस्तों तो वो 95% तो अपने नौकरी के चांसेस रेलवे के अंदर पूरे मान सकता है, चाहे वो 1 साल के बाद हो चाहे वो 5 साल के बाद हो, मिल जाएगी आपको, ये कन्फर्म है दोस्तों। तो ये आपकी एक बड़ी अपडेट थी पहले, और अब हम अगली बात करते हैं। तो दोस्तों पहले ALP का मेडिकल होगा, ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं, ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है ऐसा। तो इसके बाद में क्या है, A1 में फेल हो जाने पर टेक्नीशियन का मौका मिलेगा, ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा मैं आपको बता दूं। तो मेडिकल के बाद है वो कट ऑफ कितना बढ़ेगा दोस्तों, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ बेसिक तौर पर, तो आपको बता दूँ कि ALP और आपका टेक्नीशियन PCM इनका कट ऑफ है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है दोस्तों, थोड़ा सा मतलब आप मान सकते हो कि 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर दोस्तों, तो इनका थोड़ा सा बढ़ सकता है। ITI का दोस्तों बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ जोन में बढ़ जाए, कुछ कैटेगरी का बढ़ जाए, संभव नहीं है कि सभी में नहीं बढ़े, ये नहीं है दोस्तों, कुछ कैटेगरी और कुछ जोन में बढ़ जाएगा, कुछ ट्रेड में बढ़ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिशियन की काफ़ी फेमस ट्रेड है और काफ़ी लड़के पास किए गए हैं, तो इसमें हो सकता है, संभव है कि जैसे अजमेर जोन हम मानते हैं तो अजमेर जोन के अंदर 1 नंबर आपकी मेरिट है वो हाई चली जाए, वो भी दोस्तों ज़रूर नहीं है सभी कैटेगरी की, क्या पता ST के अंदर फिक्स कैंडिडेट पास किए गए हों तो वहाँ नहीं बढ़ेगी। तो ये दोस्तों एक हम अनुमान लगा सकते हैं, और आपका कट ऑफ के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों शाम तक, हो सके तो संभव, पूरा डिटेल्स कहाँ पर कितने कैसे क्या पास हुए हैं, कितना चांसेस आएगी टेक्नीशियन ITI की मेरिट है वो कितनी बढ़ेगी, ये दोस्तों हम शाम को ज़रूर डिस्कस करेंगे हो सकेगा तो। और दोस्तों क्या एक और लिस्ट आएगी, ये दोस्तों बिल्कुल भी आप अभी तक तो अपने मन से निकाल दें कि एक और लिस्ट आएगी, इसको निकाल करें, NTPC की जो डेट आई हुई है उसकी दोस्तों अच्छे से तैयारी करें, और आपका वहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर नहीं होगा तो डी ग्रुप की आ रही वहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। और क्योंकि लिस्ट और आती तो रेलवे पहले से ही 1.5 गुना पास नहीं कर देता क्या,
यहाँ पर 1.5 गुना पास नहीं किए, तो मतलब ये है कि रेलवे का रुख साफ है कि जो क्वालिफाई मार्क है वो जो पास नहीं करेगा उसको बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा। और जो एएलपी और इनके अंदर पास हुए हैं, तो इनके अंदर 1.5 गुना का बोला था रेलवे ने कि 50% वेटिंग प्लस 1 गुना आपके सेलेक्टेड होंगे। तो दोस्तों वही रेलवे ने किया है, इसके अंदर कुछ नया नहीं किया है। तो और लिस्ट के आस करने वालों को मेरा तो यही सजेशन है कि अच्छे से और तैयारी करें, आपका चांसेस और भर्ती में बन जाएगा। और इसमें होता तो दोस्तों कुछ आपको करना है नहीं, अगर नहीं लिस्ट आते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई कहीं पर जाने नहीं वाले हैं, आपका बाद में भी जुडिशियल एग्जाम होता है तो बाद में काम में आ जाएगी, पढ़ाई का किसी को भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दूसरा मौका कन्फर्म दोस्तों मिलेगा, आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत कमी है तो आपको मौका मिलेगा। और दोस्तों अगर आप अपनी निश्चित डेट को बिना बताए बोर्ड को एबसेंट रह जाते हो, तो दोस्तों आपको जैसे कुछ जोन के अंदर तो डेट दी गई है 26 और 27, किस जोन के अंदर कोई और डेट है आपके एडमिट कार्ड के नीचे ही होगी दोस्तों, लगभग जोन के अंदर किसी के अंदर नहीं है, तो शायद उसमें अभी कुछ सस्पेंस है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा टाइम। तो दोस्तों उनको अगर आप बिना बताए एबसेंट हो जाते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट ले जाना होगा जिस कारण से आप एबसेंट हो जाते हो, जैसे कि आपका कोई एग्ज़ाम आ गया है, आपका मेडिकल है उस दिन एग्ज़ाम आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, तो आपको वो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड उनको प्रस्तुत करना होगा कि हाँ मेरा ये एग्ज़ाम था तो मैं नहीं आ पाया, उपस्थित नहीं हो पाया, तो दोस्तों आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। वरना आपको आप ऐसे नहीं है कि मन की मर्जी से अब मैं नहीं जाऊँगा और बाद में चला जाऊँगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, रिस्क बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इतने आपने एग्ज़ाम पास किए हैं, CBT 1 आपने पास किया है, CBT 2 आपने पास किया है, CBT 3 पास आपने किया है दोस्तों, तो इतने एग्ज़ाम और इतनी लंबा इंतज़ार दोस्तों, लगभग आपका मैं बता दूं कि जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ये भर्ती के फॉर्म फिलअप हुए थे, यानी भर्ती है वो फरवरी में ही आ गई थी, मार्च में इसके फॉर्म फिलअप हुए थे, तो लगभग 1.5 साल आपने इंतज़ार किया है। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपने डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट कर लेकर जाएं और सही टाइम पर उपस्थित होने की पूरी कोशिश करें, अगर आप नहीं होते तो दूसरा मौका तो मिलना है ही है। तो दोस्तों ये आपका था डॉक्यूमेंट दोस्तों, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट स्पेशली दोस्तों नया मांगते हैं वो, मतलब 6 महीने के अंडर में मांगते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी आपके पास अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है तो दोस्तों आप ज़रूर नया बनवा लें, चाहे वो आपका 8 महीने पुराना हो चाहे 10 महीने पुराना हो, उसको छोड़कर आप एक नया बनवा लें दोस्तों। संभव है कि 200-400 रुपये के चक्कर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेट हो जाएगा दोस्तों, वैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा पर उसके बाद में आपको कुछ और करने को बोल देंगे वो कि हमें नया प्रस्तुत करोगे तभी आपको ज्वाइनिंग देंगे, या फिर आपको ज्वाइनिंग में लेट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ ना कदम उठाएं और आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लें, क्योंकि 3 से 5 दिन में आपका है OBC सर्टिफिकेट बन जाता है, यही एक डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाना है, बाकी दोस्तों नॉर्मल डॉक्यूमेंट है सभी के पास उपस्थित हैं वो आपको लेके जाने हैं। और दोस्तों डॉक्यूमेंट की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, मैं आपका हेल्प करूँगा पूरा पूरा। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिवार की फैमिली की संख्या बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ये परिवार है वो अंत तक चलने वाला है, मतलब जब हम ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद में भी चलेगा, उसके बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम आएंगी तो भी ये चलेगा। तो दोस्तों इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और कट ऑफ का वीडियो दोस्तों संभव है मैं शाम तक बना दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको इश्यू हो तो बताएं ज़रूर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।